मध्य प्रदेश में गर्मी के साथ साथ राजनीतिक तापमान भी रोज बढ़ रहा है और इन सबके बीच अब जयस ने 16 मई को अपने स्थापना दिवस के दिन कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी हैं कि भाई साहब राजनीतिक गर्मी का और बढ़ना तय है। कांग्रेस के सामने या और पार्टी के सामने दिख नहीं मांग रहे, हम तो निर्णय कर चुके हैं कि जयस 80 विधानसभा सीटों पर अपना ग्राउंड अभी बूथ लेवल के तैयार चल रही है। दो दलों वाली राज्य मध्य प्रदेश में अचानक से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट उठने लगी है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुध। हमारे आज के वीडियो में बात करेंगे कि जयस के स्थापना दिवस के दिन क्या क्या हुआ और किस तरीके से जयस 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। 16 मई को जयस अपने स्थापना दिवस के तौर पर मनाता है। इस दिन जयस राज्य भर में कार्यक्रम करता है और इन कार्यक्रमों में उमड़ती हुई युवाओं की भीड़ ये बताती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जयस कोई कमजोर पत्ता नहीं बल्कि तुरूप का इक्का चलने वाला है। हर दल की निगाहें जयस की तरफ गड़ी हुई हैं। कांग्रेस के कमलनाथ तो एक समय पर ये भी बोल गए थे कि जयस में डीएनए तो भाई साहब कांग्रेस का ही है। जहां भी जयस जीतने की स्थिति हो, जयस का डीएनए कांग्रेस का है, ये हमें याद रखना, वो तो खुद कहते हैं। लेकिन हीरालाल लावा ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया था और साफ साफ कहा था कि जयस उसी के साथ जाएगा जो जयस का सम्मान रखेगा, जो जयस को प्रॉपर विधानसभा सीटें देगा। स्वतंत्र रूप से किसी भी राजनीतिक दल की सपोर्टर में आज की तारीख में नहीं है। कांग्रेस की भी नहीं, चूंकि आप कांग्रेस से विधायक। बिल्कुल, मैं कांग्रेस से विधायक हूं, लेकिन ये पूरा संगठन किसी कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। ये जयस स्वतंत्र सामाजिक संगठन है और इस सामाजिक संगठन, वैचारिक संगठन, इस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए विधानसभा और लोकसभा में आदिवासी समाज के ऐसे युवा जाए जो किसी राजनीतिक पार्टी के कठपुतली नहीं बने। दरअसल अगर मध्य प्रदेश की आबादी की बात करें तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा, 20% से ज्यादा हिस्सा ट्राइबल पॉपुलेशन है, एसटी वोट्स हैं। ऐसे में जयस जिसका काम जनजातियों के बीच है, वो मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में 47 विधानसभा सीटें एसटी रिजर्व्ड हैं और 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर एसटी पॉपुलेशन 15% से ज्यादा है। ऐसे में जयस यह दावा कर रहा है कि वो 80 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा और इसके लिए वो किसी और से भीख नहीं मांग रहा। सुनिए हीरालाल लावा ने स्थापना दिवस के मौके पर क्या कहा। जयस के सामने या और पार्टी के सामने भीख नहीं मांग रहे, हम तो निर्णय कर चुके हैं कि जयस 80 विधानसभा सीटों पर अपना ग्राउंड अभी बूथ लेवल के तैयार चल रही है। हम लोगों ने तो ये अक्टूबर से तैयारी शुरू कर दी है और हम लोगों ने 47 रिजर्व सीट के साथ साथ जो 33 सीटें हैं जिसमें जयस ग्राउंड, तो हम लोग अभी कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दल से हमारा आज की तारीख में कोई वैसा गठबंधन या बातचीत नहीं है कि हम उनसे लड़ रहे हैं, हम तो स्वतंत्र की बात कर रहे हैं अभी किसी। अब हीरालाल अलावा दावा तो खूब कर रहे हैं लेकिन असलियत यह है कि वो कांग्रेस के टिकट से विधायक हैं। ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि जयस आखिर में कांग्रेस की तरफ ही गिरेगा, लेकिन अब जयस ये संकेत दे रहा है कि अगर जरूरी पड़ा तो वो भीम आर्मी के साथ गठबंधन करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। अब पूरे के पूरे गणित को समझिए, भीम आर्मी का काम एससी के ऊपर है और जयस का एसटी के ऊपर। ऐसे में भीम आर्मी और जयस अगर साथ साथ आ जाते हैं तो वो 100 से ज्यादा सीटों पर एससी और एसटी समुदाय को साथ ले आएंगे। इससे मध्य प्रदेश में चुनाव और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। जयस एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने में लगा हुआ है, वहीं अपनी आपसी राजनीति, आपसी टकराव से उभर नहीं पा रहा। अब 16 मई की ही बात ले लीजिए, जयस अपना स्थापना दिवस मना रहा था लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर भी जयस की बंटवारा, जयस का टकराव साफ साफ देखा गया। जहां एक तरफ जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल अलावा इंदौर में अपना कार्यक्रम कर रहे थे, वहीं डॉक्टर अजय भोपाल के गांधी भवन में अपना कार्यक्रम कर रहे थे। दोनों के बीच कोई समन्वय नहीं था,
दोनों की घोषणाओं में अंतर था, दोनों अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे में अगर जयस के बीच का ये टकराव जयस की अंदरूनी राजनीति बढ़ती जाती है तो इससे जयस का राजनीतिक प्रभाव भी कम होता जाएगा। खैर अब वो किस करवट बैठेगा ये तो 2023 चुनाव आने के आसपास ही पता चलेगा। तब तक आप आयुध देखते रहिए क्योंकि हम हर तरह की खबर लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।